अजमेर के बजरंगगढ़ चौराहा स्थित अंबे माता मंदिर का 40वां स्थापना दिवस आज शारदीय नवरात्रों में मां अंबे के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु की भारी भीड़। आज शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन भव्य संध्या महाआरती का होगा आयोजन। जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने किया अजमेर शहर के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण। पुलिस की कार्यशैली को और बेहतर बनाने पर जोर। पुलिस की गश्त को सुचारू और बेहतर बनाने की रणनीति पर विचार। सोशल मीडिया पर रखी जा रही विशेष नजर। अजमेर के पटेल मैदान में दशहरा महोत्सव की तैयारियां जोरों पर। फतेहपुर सीकरी से आए मुस्लिम परिवार के 15 सदस्य बना रहे पुतले। पिछले 31 वर्षों से लगातार बना रहे अजमेर में रावण का पुतला। नगर निगम की ओर से होगा भव्य दशहरा महोत्सव का आयोजन। की मूर्ति की हुई स्थापना। मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में महापौर बेलदत्ता हाड़ा सहित पार्षद रहे मौजूद। 9 दिन तक होगी माता की पूजा अर्चना। शाम को होगा भव्य गरबा रास का आयोजन। रॉयल एनफील्ड चोरी के मामले में कोतवाली थाना पुलिस की कार्यवाही। प्रभात सिनेमा के बाहर से चोरी हुई थी रॉयल एनफील्ड। कांकरोली के रहने वाले 2 आरोपी कुलदीप और उमेश को किया गया गिरफ्तार। तीर्थनगरी पुष्कर में अग्रवाल समाज की ओर से अग्रसेन महाराज का जन्मोत्सव मनाया धूमधाम से। कृष्ण भवन से महाराजा अग्रसेन की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना के बाद निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। गोमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए गो भक्तों द्वारा निकाली जा रही राज कनक दंडवत यात्रा। नसीरबाद के छड़वासा कस्बे के राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर छड़वासा के गो रक्षक दल द्वारा किया गया भव्य स्वागत। राष्ट्रपति भवन दिल्ली पहुंचेगी यही यात्रा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली साल 2025 के 10वीं और 12वीं के एग्जाम के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में करेक्शन के लिए लास्ट डेट 4 अक्टूबर। परीक्षा के लिए करीब 20 लाख स्टूडेंट ने किया था आवेदन। अजमेर के गांधीनगर थाना क्षेत्र से बुजुर्ग से ठगी का मामला आया सामने। ठगों ने पुलिस अधिकारी बनकर पीड़ित को उसके बेटे को रेप केस में पकड़ने का डर दिखाकर अलग अलग ट्रांजेक्शन के जरिए 1,35,000 रुपए हड़पे। पीड़ित की शिकायत पर गांधीनगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की शुरू। अजमेर के ग्रामीण क्षेत्र में नाबालिग से रेप का मामला आया सामने। पीड़िता ने एक युवक पर छाती का झांसा देकर रेप करने का लगाया आरोप। पीड़िता ने आरोपी पर होटल की रिकॉर्डिंग वायरल करने का भी लगाया आरोप। पुलिस जुटी जांच में।